उत्तर प्रदेश में खौफनाक वारदातों का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में निंदहाड़े हुई हत्या की घटना अभी लोगों के जहन में तरोताजा है, साथ ही लोग सहमे हैं। जनपद रामपुर में भी बेखौफ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, फरार होने के बाद बदमाशों ने उनकी तलाश में जुटी पुलिस से भी मुठभेड़ कर ली। इस दौरान दो अभियुक्त घायल हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के शहबाद थाना अंतर्गत ग्राम केसरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को उसके ही गांव के कुछ लोगों ने पहले तो उसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या की और फिर उसके बाद उसका शव भी पिकअप में डालकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी के निर्देशन में 10 थाना अध्यक्ष और 3 क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में शव की बरामदगी के अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन किया गया। अभियुक्तों और मृतक के शव की तलाश में पुलिस टीमें लगातार कॉम्बिंग करती रही। वहीं कई घंटे बीत जाने के बाद आज सुबह सूचना मिली कि अभियुक्त पिकअप लेकर रामगंगा नदी की तरफ से गुजर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अभियुक्तों की घेराबंदी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस का कथन है कि अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राम निवास और श्रीपाल घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कल केसरपुर निवासी बेनाम सिंह ने रात में 8:30 बजे करीब थाना शाहबाद को सूचना दी कि उसका भाई गांव के बाहर मंदिर पर बैठा था। तभी गांव के कुछ लोग आए और वो सड़क पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गोली मारकर, और उसके सबको एक पिकअप गाड़ी में रखकर ले गए। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरे जो अभियान था इसका नेतृत्व किया गया और जनपद के 10 थानाध्यक्षों की टीम बनाई गई। ये घटना तो आपसी रंजिश को लेकर हुई थी, लेकिन ये चैलेंजिंग था कि जो अभियुक्त है वो गोली मार कर हत्या कर डेड बॉडी को भी ले गए। इस तरह से 10 थानाध्यक्षों की टीम और 3 क्षेत्र अधिकारियों की टीम कप्तान साहब के नेतृत्व में पूरी रात जो कॉम्बिंग करती रही डेड बॉडी की तलाश में और अभियुक्तों की तलाश में। तभी सुबह 8 बजे के करीब थाना शाहबाद पुलिस को पता चला कि गाड़ी जिसमें बदमाश है वो शाहबाद से रामपुर की तरफ को आ रही, तो रामगंगा के किनारे इस गाड़ी को घेरा गया, जिसमें से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम रामनिवास और श्रीपाल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए शाहबाद CHC ले जाया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई। इस प्रकार से जो पिकअप गाड़ी थी वो बरामद हो गई है, डेड बॉडी बरामद कर ली है पुलिस ने, और 2 जो नामजद बदमाश थे उन्हें पुलिस मुठभेड़ में घायल करके और गिरफ्तार कर लिया। आगे की जो दूसरे अभियुक्त बचे हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई जारी है।